योजेश्री, मेरा प्रश्न यह है कि आप जब बोलते हैं पाप का और पुण्य का उदार उदय के आधार पर जो सफलता असफलता मिलती है वो सही है? सारी जिंदगी जन्म हुआ वहाँ से मृत्यु तक पुण्य पाप का ही फल आता है। नहीं, बच्चा 3 महीने का है, क्या हो गया तो कि हार्ट में ये प्रॉब्लम आ गया या डायबिटीज, अभी बच्चों को 3 महीने वाले तो पूर्व कर्म का हिसाब, पुण्य पाप का हिसाब। पुण्य है वहाँ तक निरोगी है, और पुण्य कर्म पूरा हुआ पाप कर्म का उदय आएगा तो रोग शुरू होते हैं। लेकिन पुण्य और पाप से ही पुण्य का फल हमें इच्छा अनुसार सुख मिलता है, और पाप का फल हमें इच्छा से विरुद्ध दुख मिलता है। यही संसार की सिलसिला है। हाँ, पुण्य और पाप से मुक्त कैसे हो जाए वो बात पकड़ प्राप्त करने जैसे कि कैसे मुक्ति पाए पुण्य से और पाप से। हमें धर्म क्या सिखाता है? पुण्य प्राप्त करो, पाप को छोड़ते जाओ। मगर पाप और पुण्य द्वंद्व है, एक मिलने जाएगा तो दूसरा साथ में आएगा। सिक्का की दूसरी बाजू, पैसे की 2 बाजू रहती है सिक्के में, तो एक लिया तो दूसरा मिल ही जाएगा। यानी दोनों से छुटोगे तो ही द्वंद्वातीत दशा, तो ही मोक्ष होगा।